नाउ अगर आपकी डायग्नोसिस बनती है कि आपको अल्सरेटिव कोलाइटिस है, कोलोनोस्कोपी में अल्सरेटिव कोलाइटिस कंफर्म हो जाती है, बायोप्सी में भी अल्सरेटिव कोलाइटिस कंफर्म हुई, तो वास्तव में इसको ट्रीट कैसे किया जाएगा? आप मान के चलिए कि 90% जो पेशेंट्स हैं अल्सरेटिव कोलाइटिस के, वो वास्तव में सिर्फ दवाई से ठीक हो जाते हैं। मेडिसिन के दो ग्रुप्स हैं, दैट इज 5 अमाइनो सैलिसिलिक एसिड, that 5 ASA derivatives and steroid, ये दो दवाइयां हैं, ये dominantly जो patients हैं उनके symptoms को control कर देती हैं। कभी ऐसा होता है कि कुछ patients ऐसे होते हैं जो steroid dependent हो जाते हैं, कि जो उन्हें steroid हम देते हैं तब तो ठीक है, लेकिन steroid अलग करते हैं तो उनकी disease फिर से ऊपर आने लगती है, तो उन्हें कभी कभी हमें दूसरी दवाइयां देनी पड़ती हैं, जैसे एजाथायोप्रीन नाम की दवाइयां, जो वास्तव में इम्यूनो मॉड्यूलेटर होती हैं, सो दैट इम्यूनिटी को और सप्रेस किया जा सके। अगर इमरजेंसी सिचुएशन है या अल्सरेटिव कोलाइटिस कंट्रोल नहीं हो रही है, इन ऐसी सिचुएशन है कि शायद ऑपरेशन के बिना काम नहीं चलेगा, तो बायोलॉजिकल जो मेडिसिन हैं ये वास्तव में आपको इस रिस्क से बाहर लाने की ताकत रखती हैं। इसके बावजूद कभी कभी ऐसा होता है कि अल्सरेटिव कोलाइटिस कंट्रोल ही नहीं होती है एंड हमें ऑपरेशन कराना पड़ता है, इन कोलन के उतने पोर्शन को या पूरे की पूरी बड़ी आंत को बाहर निकलवाने की जरूरत पड़ती है। अगर हम ऑपरेशन की बात करें जो अल्सरेटिव कोलाइटिस में हमें जरूरत पड़ती है, तो ध्यान से आप देखें तो दो तरह के ऑपरेशन की जरूरत पड़ती है। एक तो ऑपरेशन होगा जो इमरजेंसी खड़ी हो गई, इन द सेंस कि मान लीजिए आंत फट गई आपकी अल्सरेटिव कोलाइटिस के चलते, तो ये किसी भी दवाई से ठीक नहीं होगा ऑपरेशन के अलावा, उसमें इमरजेंसी में आपको ऑपरेशन कराना ही पड़ेगा। या आपको ब्लीडिंग इतनी ज्यादा हो रही है कि कंट्रोल ही नहीं हो रही है और कंटिन्यूअस ब्लीडिंग होते चले जा रही है और उसको कुछ नहीं कर सकते, तो आपको ऑपरेट कराना पड़ेगा। कभी ऐसा हो जाता है कि आपको टॉक्सिक मेगाकोलन डेवलप हुई एंड दवाइयों से रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रही है, इवन बायोलॉजिकल सम दे रहे हैं तो भी रिस्पॉन्ड नहीं कर रही है, तो फिर ऑपरेशन कराने के अलावा तीसरा कोई विकल्प नहीं है। द सेकंड इज द इलेक्टिव सर्जरी। कभी ऐसा हो जाता है कि तमाम दवाइयों के बावजूद आपके सिम्टम्स एडिक्वेटली कंट्रोल नहीं हो रहे हैं। एंड नंबर टू, अगर अनफॉर्चुनेटली अल्सरेटिव कोलाइटिस के ऊपर कैंसर डेवलप हुआ, तो फिर ऑपरेशन के अलावा दूसरा कोई विकल्प नहीं है। ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है कि मुझे अल्सरेटिव कोलाइटिस है तो मुझे लाइफ का कितना रिस्क है, मुझे कितना जो है खतरा है। जो अल्सरेटिव कोलाइटिस है वास्तव में कुछ तरह की बीमारी है जो लाइफ लॉन्ग चलती है। इसका एक नेचर है कि ये पीरियड्स ऑफ फ्लेयरअप्स एंड पीरियड्स ऑफ रेमिशंस ये वास्तव में लेके चलती है, लेकिन अगर आप इसको ठीक कंट्रोल करें, इन इसकी मॉनिटरिंग आप प्रॉपर करते चले जाएं, कि जहां तक लाइफ एक्सपेक्टिंग का सवाल है, तो जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है अल्सरेटिव कोलाइटिस में लगभग उतनी ही है जितनी नॉर्मल इंडिविजुअल्स की होती है। जो अल्सरेटिव कोलाइटिस है ये फेटल डिजीज नहीं है। With over 1 lakh medical experts and the facility to teleconsult, experience clinic-like consultations on Practel.